बैकस्टैब करके आया और उनकी जो खुशी थी एक पल में छीन ली थी। अगर आज सोमराज ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करके देन सोल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हर बार इतने डोमिनेटिंग फैशन के अंदर वो फाइनल सर्कल तक आती है। बट यहाँ पे अक्षर ने स्पॉट किया सोमराज को, इंस्टेंटली उनकी कहानी खत्म करी और स्कारलेट होती है एलिमिनेट थर्ड पोजिशन में, 3 फिनिशेस निकाले, इसका मतलब पूरे 13 पॉइंट अपने हिस्से लिख देंगे। अब है अस्सी तक 44 और इससे ज्यादा इंटेंस आई डोंट थिंक ओशन को छूता है। 35 सेकंड का समय है इस सर्कल को क्लोज इन करने में, लेकिन प्लेयर्स की लोकेशन पता है, वो गाड़ी के पीछे का कवर वो पता है। हालांकि इसी के बीच में अक्षत पहले प्लेयर को डाउन करेंगे, अक्षत ने वहां पर मेन मैन स्कारलेट से सोमराज को डाउन किया था, फिनिश किया था, इनफैक्ट बाहर किया था और अब ब्लाइंड के डेडपूल को भी डाउन कर चुके हैं। ये गेम सोल को चाहिए इतनी बार, #2IS 7 गेम्स के बाद ये 8वां उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ओमेगा के ऊपर आया डैमेज, ओमेगा समझ के ओवर कमिट करने का कोई फायदा नहीं होगा, खुद को सेफ रखा जा रहा है। जेडी के पास 19 गोलियां, बैकपैक ना होना मतलब शायद ये आखिरी 19 गोलियां उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर ब्लाइंड के रेस को डाउन करने के बावजूद भी द्वारा द गॉडलेन इज स्पीकिंग, ओमेगा स्पीकिंग एज वेल एंड दे आर रोरिंग राइट नाउ फॉर 15 पॉइंट्स एज ब्लाइंड दे माइट जस्ट बी इन अ होल वर्ल्ड ऑफ ट्रबल। गॉब्लिन आगे की तरफ को जंप एंड पंच करके जा रहे हैं, विलियम्स को भी देख लिया जा चुका है, मतलब उसको फिनिश करेंगे और यहां पर लेकर के जाती है टीम सोल फाइनली आफ्टर 7 #2s दे गेट अ ब्रिलियंट विनर विद अ चिकन डिनर फॉर देमसेल्व्स। ओ माय गॉड, कल के दिन की बात कर रहे हैं उससे पहले की।